सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे करें और पाएं सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस को। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए वीडियो की सीरीज़ को शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग नए टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो माइंड फायर। माइंड में जितने टाइप्स ऑफ फायर पाए जाते हैं उनको हम इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो सीरीज़ में जो हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, सबसे पहला जो हमारा टाइप्स ऑफ माइंड फायर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे जो इंडियन माइंस में जितने मैक्सिमम इंसिडेंट होते हैं फायर की वजह से ही होते हैं। उसके बाद काउजेज एंड प्रिवेंटिव मेजर ऑफ माइंड फायर, और उनका काउजेज क्या है, उनको प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ये सारी चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन स्पॉन्टेनियस हीटिंग को भी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए और हमारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में उसके लिए भी, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो है होता क्या है, साइंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, उसके साथ में फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग स्पॉन्टेनियस हीटिंग, उसके बाद एक काउजेस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। इन सारी चीज़ों को, ये फोर जो पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। और इसके लिए स्पेशल एक टॉपिक वीडियो बनेगा स्पॉन्टेनियस हीटिंग के ऊपर ही, उसके साथ में काउजेस एंड प्रिवेंटिव मेजर जो है ये भी डिस्कस करेंगे साथ में उसी में ही हम। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स ऑफ डीलिंग विद द माइंड फायर एंड देयर अप्लीकेबिलिटी, इन टॉपिक्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ में साथ जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारा स्टॉपिंग्स होते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारा जो क्या बोलते हैं टेम्प्रोरी और इमरजेंसी स्टॉपिंग्स और परमानेंट स्टॉपिंग्स जो बनाते हैं हम लोग माइंस में, उसके ऊपर भी एक टॉपिक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। उसको उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कितने उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके डायमेंशंस वगैरह सारी चीज़ को हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग माइंड फायर को डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही साथ लॉसेस ड्यू टू माइंड फायर जो होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ माइंड फायर होता है वो डिस्कस करेंगे, काउजेस ऑफ माइंड फायर एंड द प्रिवेंटिव मेजर जो होता है जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन को, माइंड फायर होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खानों में आजकल जो है एवर प्रेजेंट हैजार्ड सबसे ज़्यादा जो होता है माइंड फायर ही होता है, और ये ओकर उसी जगह पे होता है जहाँ पे हमारा क्या होता है कंबस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट होता है खानों में। जैसे कि कोल खान की बात करें तो पूरे खान में हमारा क्या कंबस्टिबल मटेरियल क्या होता है, कार्बोनेस मेटल जो मटेरियल अवेलेबल होता है, जैसे कोयला जो है जो कि कभी भी आग पकड़ने के चांसेस, जब भी एक्सपोजर शुरू होता है उसके बाद से आग पकड़ने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये जो खान में एक्सीडेंट होता है माइंड फायर की वजह से, वो सिर्फ लाइफ को, मैन का लाइफ को नहीं इंडेंजर करता, ताकि पूरे माइंस का जो इकोनॉमिक है उसको क्या करता है, वो डिस्टर्ब कर देता है, पूरे लॉस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस करवाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारा वो यही है कि वो लाइफ इंडेंजर करता है, उसी को बचाने के लिए हम माइंड फायर को मैक्सिमम डील करते हैं, क्योंकि अगर लाइफ को हम बचा लेंगे बाकी चीज़ों को हम ईजिली क्या करते हैं सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉसेस ऑफ जो माइंड टाइप्स फायर जो होता है वो देखेंगे, जो कि हमारा टू टाइप्स का होता है। पहला जो होता है डायरेक्ट लॉस, ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट लॉस। तो ये आप डेफिनेशन इसको इंट्रोडक्शन को आप स्टडी कर लेंगे, जो मैंने बताया है वही चीज़ है ये चीज़, ठीक है। दैट इज़ फायर कंस्टिट्यूएंट और इवन प्रेजेंट हैजार्ड इन माइंस, जैसा कि माइंस में जो हमारा सबसे एवर टाइम एवरी टाइम ये प्रेजेंट होने वाला हैजार्ड्स हैं। दे ओकर वेन एवर एंड वेयर एवर कंबस्टिबल मटेरियल आर प्रेजेंट इन द माइंड वर्किंग, एंड द फायर नॉट ओनली इंडेंजर द लाइफ्स ऑफ द मैन इन द माइंड बट ऑल्सो काउजेज द इकोनॉमिक लॉसेस ऑन टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज टू टाइप्स, दैट इज डायरेक्ट इनका जो लॉसेस का टाइप्स होता है वो डायरेक्ट लॉसेस होता है और इनडायरेक्ट लॉसेस होता है। टाइप्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पहले लॉसेस को देख लेते हैं कि किस टाइप के लॉसेस हमारे माइंड में होते हैं। तो चलिए देखते हैं।
अगर लॉसेस की बात करें तो डायरेक्ट लॉसेस में हमारा सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो होता है कि जो हमारा स्टॉक है, मतलब कि जिस चीज़ की हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, रिजर्व है, उसका लॉस होना। जैसे कि कोल माइंस है तो हमारा क्या लॉस ऑफ कोल रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। और भी जैसे कि हमारा जो लॉसेस हो सकता है, जैसे कि अगर हमारा पेट्रोलियम माइनिंग है तो वहाँ पे पेट्रोलियम का या फिर गैसेस माइनिंग, हम लोग गैस का अगर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे गैसेस का लॉस हो जाएगा, कि सबसे मेन लॉस होता है। उसके बाद लॉसेस ऑफ माइनिंग इक्विपमेंट, माइंस में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमारा माइन फायर की वजह से क्या करता है, जल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें हमारा बहुत लॉसेस होता है माइनिंग इक्विपमेंट का। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ फायर फाइटिंग। उसके बाद जब माइंस को हम लोग फायर लगने के बाद जो हम लोग डील करते हैं तो उसमें जो कॉस्टिंग आती है वो सबसे बड़ा लॉस हो जाता है उसके बाद से। उसके बाद रिकवरी ऑफ द सील्ड ऑफ एरिया। उसके बाद से जो हम लोग माइन फायर को डील करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सील ऑफ कर देते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, ताकि फायर जो थोड़ी से शांत हो जाए। तो उसको जब रिकवर करते हैं उस समय जो खर्च होता है वो लॉस रिकवरी करने में जो लगता है खर्च वो हो गया, ठीक है। उस इनडायरेक्ट लॉसेस की बात करें तो इनडायरेक्ट लॉसेस में हमारा जो होता है सबसे पहला रीजन है फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ द इफेक्टेड एरिया, यानी कि जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ से पूरी तरह से प्रोडक्शन जो क्या होता है पूरी तरह से ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण माइंस को पूरी तरह से क्या इकोनॉमिकल लॉस का सामना करना पड़ता है। अगला जो रीजन है हमारा लॉस है वो है फॉल ऑफ द प्रोडक्टिविटी एंड द इंक्रीज ऑफ द कॉस्ट एंड यूजुअली हायर दैन द डायरेक्ट लॉसेज। यानी कि बोल रहे थे फॉल ऑफ द प्रोडक्टिविटी, जो हमारा प्रोडक्टिविटी उसका फॉल हो जाना, उसके साथ ही इंक्रीज ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, एंड यूजुअली हायर दैन द डायरेक्ट लॉसेज। जो डायरेक्ट लॉसेज होता है उनके कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है उसको हैंडल करने में, और जब उसको हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्ट लॉसेज में ये क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट होते हुए डायरेक्ट लॉसेस में क्या हमारा यह फुल प्रोडक्टिविटी फॉल होने के कारण से डायरेक्ट लॉसेस में वो क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे इनडायरेक्ट लॉसेस थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स को डील करने से पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डील कर सकते हैं कि फॉर द ब्रेकआउट ऑफ द माइन फायर थ्री कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। यानी कि बोला जाता है कि किसी भी खान में, यानी कहीं पर भी खान या कहीं भी माइन आग लगने के लिए तीन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा क्या होती है वहाँ कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहला क्या, सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ द कम्बस्टिबल मटेरियल, ठीक है। क्या होगा, सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ कम्बस्टिबल मटेरियल वहाँ पे होना। दूसरा क्या, सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट क्या है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अप्लाई होना, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन वहाँ रिक्वायरमेंट होता है। और तीसरा क्या, सोर्स ऑफ इग्निशन मस्ट बी प्रेजेंट। तो वहाँ पे क्या होना कि सोर्स ऑफ इग्निशन मस्ट वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए एक टाइम लिमिट के लिए, जिसमें आग लगने का ये मतलब कि किसी को आग लगने के लिए जो टाइमिंग लिमिट होता है वहाँ पे उतना समय के लिए हीट मौजूद होना चाहिए। ये तीनों चीज़ को मिलने के बाद में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग क्या बोलते हैं फायर ट्रायंगल को बोलते हैं। अगर इन तीनों में से किसी एक चीज़ को भी हम लोग क्या करें रिमूव कर लें, किसी एक चीज़ को भी लगा लें, हटा दें, तो वहाँ पर आग कभी लग ही नहीं सकता। तो ये तीनों इसी पॉइंट को लेकर के हम लोग क्या किसी फायर को क्या करते हैं माइंस में या फिर कहीं पे भी डील करते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कम्बस्टिबल मटेरियल है उसको रिमूव कर ले, या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर ले, या फिर इग्निशन सोर्स ऑफ, पर अगर आग लग जाती है तो उसके बाद डील करने के लिए मैक्सिमम जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बच जाता है वो क्या है, सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन को रोकना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अगर इसको रिमूव कर लेंगे तो क्योंकि हमारा आसान तरीका होता है उसको हटाने से क्या वहाँ पे आग रुक जाएगा। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट ये तीन पॉइंट है किसी भी आग को डील करने के लिए या फिर किसी जगह पे आग को लगने से रोकने के लिए, ये तीन पॉइंट को ध्यान में हमेशा रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग अब टाइप्स ऑफ फायर को देख लेते हैं। तो माइंस में अगर बात करें तो माइंस में क्या डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ फायर अगर डील करें तो वहाँ पे टू टाइप्स ऑफ क्या होता है माइन फायर होता है, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट ऑफ माइन फायर होता है। सबसे पहला क्या है, इंसिपिएंट फायर्स, ठीक है। इंसिपिएंट यानी कि ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस कंबसन या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग बात करें, ठीक है, स्पॉन्टेनियस यानी कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग को हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबसन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग को हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबसन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ओपन फायर, यानी कि जो ओपन फायर बोलने का मतलब कि जहाँ पे हम लोग ये फायर कहाँ मिलता है, सॉफ्ट रोडवेज पे या फेसेस में, या विजिबल एक्टिव फायर जो कम्बसन मतलब कि आफ्टर आग लगने के बाद से वो हम लोग को आग जो मिलता है विजिबल वो फायर हो को हम लोग बोलते हैं और इसको ओपन फायर के नाम से जानते हैं, या कि कोल स्टोक वगैरह में आग लग जाता है वो सारे चीज़, ठीक है, ये होता है। तो ये दो टाइप्स के हमारा फायर होता है। तो चलिए इसको आगे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला फायर है जिसे इंसिफिशिएंट फायर बोल रहे थे, दिस फायर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द सीम फायर, इसको हम लोग क्या करते हैं सीम फायर के नाम से भी जानते हैं, एंड विच ओरिजिनेटेड इन द एबंडेंट एंड डिसकंटिन्यूड माइन वर्किंग। यह कहाँ पे मैक्सिमम पाया जाता है, जहाँ पे एबंडेंट एंड डिसकंटिन्यूस,
ठीक है, वो वर्किंग होता है वहाँ पे, जैसे कि गॉब्स हो गया, फॉल ऑफ रूफ हो, कोल एरिया में फ्रैक्चर जहाँ पाया जाता है, और पिलर्स एंड द विजिनिटी ऑफ द जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एरिया, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं उस एरिया को काम नहीं करते, डिस्टर्ब होता है या फिर कोई भी कहीं भी फॉल हो जाता है तो हम लोग उसको सील करके छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा वर्किंग वहाँ पे हो नहीं पाता है। तो उन जगहों पे जो होता है ये फायर जो पाया जाता है, ठीक है, जिसको धीरे धीरे ऑक्सीजन सप्लाई अगर मिलता है तो वहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग या फिर स्पॉन्टेनियस कंबशन होता रहता है, ठीक है। दे अकाउंट फॉर द 75-90% ऑफ अंडरग्राउंड माइन, मतलब ये जो हमारा फायर होता है स्पॉन्टेनियस, ये मैक्सिमम क्या होता है अंडरग्राउंड माइंस में ही मैक्सिमम होता है, जो कि बहुत ही डिफिकल्टीज पैदा करता है उस स्टेजेज में, ठीक है, और हम लोग अंडरग्राउंड में इसमें डील करना भी बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं पॉइंट, अगला जो टाइप है वो है ओपन फायर। ओपन फायर की बात करें तो दिस फायर ओरिजिनेटेड इन द ओपन माइन वर्किंग, ओपन माइन वर्किंग में ये पाया जाता है, सच एज शाफ्ट, रोडवेज एंड फ्रॉम द कोल फेसेस, ठीक है, कोल फेसेस में ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस कंबशन, ये भी स्पॉन्टेनियस कंबशन के कारण से ही पाया जाता है, वहाँ पर भी होता है, एंड द करेक्टराइज बाई विजिबल एक्टिव कंबशन फ्लेम, और ये हमेशा क्या होता है विजिबल एक्टिव कंबशन फ्लेम वहाँ पर आपको क्या होगा दिखाई देगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आग जैसे जलता हुआ। मैक्सिमम प्लेसेस में देखेंगे या माइंस में अगर कहीं जाते हैं ओपन कास्ट में तो साइड्स में, माइंस के साइड्स में क्या होता है आग लगा होता है, फेसेस में होता है, ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई देता है। एंड दे स्प्रेड क्विकली, ये बहुत ही जल्दी फैलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द वेंटिलेशन, जिस तरह से डायरेक्शन जो वेंटिलेशन का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में बहुत ही जल्दी ही क्या फैलता फैलता है। एंड द रेट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द एयर एंड द क्वांटिटी ऑफ द कंबशन मटेरियल, ठीक है, यानी क्या होगा कि ये डिपेंड किस पे करता है, पहला चीज़ क्या वेलोसिटी ऑफ एयर पे और द क्वांटिटी ऑफ द कंबसिबल मटेरियल पे, ये क्या करता है डिपेंड करता है, ठीक है, इसका रेट जो है रेट ऑफ फैलने का जो है स्प्रेड होने का वो, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के फायर हैं। चलिए आगे हम लोग टॉपिक को देखते हैं, तो आगे का टॉपिक जो है काउजेस ऑफ माइन फायर एंड द प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है, तो जिसमें हम लोग पहले काउजेस ऑफ माइन फायर, मतलब माइंस में जितने फायर रहते हैं उनको कौन से रीजन्स हैं वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो खान में किस तरह से आग लग सकता है। पहला जो है स्पॉन्टेनियस हीटिंग, तो जैसे मैंने बोला इसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है। दूसरा क्या है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि किसी, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि माइंस में इंस्टॉलेशन होता है, कुछ डिफॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन में बहुत सारे रीजन्स हैं, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ब्लास्टिंग भी एक रीजन है किसी खान में आग लगने का। उसके बाद एक्सप्लोजन जो होता है, हम लोग जानते हैं कि कोल डस्ट एक्सप्लोजन बोलते हैं या फिर गैस मीथेन गैस एक्सप्लोजन जो होता है, फायर डैम्प एक्सप्लोजन, ये सारे चीज़। उसके बाद कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, उनको देख लेंगे, जो रीजन्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते डिस्कस करते हैं इसको बढ़िया से। तो खान में आग लगने का सबसे ज़्यादा और सबसे डेंजरस जो रीजन है वो है स्पॉन्टेनियस कंबशन, इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस हीटिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन, तो ऐसे हम लोग, मैं भी बोल रहा हूँ, पहले इसको स्पॉन्टेनियस हीटिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो दिस इज़ अ सेल्फ हीटिंग ऑफ द कोल और अदर कार्बोनियस मटीरियल रिजल्टिंग इवेंचुअली इन इट्स इग्निशन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हीट, मतलब क्या है कि किसी भी कोल या फिर कार्बोनियस मटेरियल जो कि कहीं भी प्रेजेंट होता है इसमें सेल्फ हीटिंग के कारण से क्या होता है आग लग जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन ऑफ हीट, एक्सटर्नल हीट का एप्लीकेशन नहीं होता, मतलब इसमें कोई भी एक्सटर्नल हीट नहीं लगता, उसके बाद से भी क्या होता है इसमें आग लग जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस जो रीजन काउज है किसी भी खान में या फिर माइंस में आग लगने का, ठीक है, माइन फायर होने का। तो चलिए अगला रीज़न देखते हैं, और इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे तरह से डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियो के सीरीज़ में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं रीज़न को। अगला जो काउज है किसी भी खान में आग लगने का वो है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग या फिर स्पॉन्टेनियस कंबशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक हजार्ड लाइक द शॉर्ट सर्किट स्पार्किंग ड्यू टू द इम्प्रॉपर मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन यूज रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो शॉर्ट सर्किट स्पार्किंग जो होता है माइंस में, वो क्या अगर इम्प्रॉपर मेथड की वजह से या फिर इंस्टॉलेशन की वजह से या फिर रिपेयर जो चीज़ें होती हैं जैसे वायर हो गए या फिर कोई भी इक्विपमेंट हो गई वो, और मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो होता है उनका गलत प्रयोग के कारण से हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट एंड स्पार्क्स में इग्नाइट, जब भी शॉर्ट सर्किट या कोई स्पार्क होता है वो किसी भी कॉम्बस्टिबल मटेरियल के जो प्रेजेंट होते हैं उनके अराउंड में या फिर विजिनिटी में उनमें वो लग जाता है, और उसके कारण से वो आग जो होता है पूरे माइंस में फैलने लगता है।
और उसके साथ में क्या होता है कि ये एक और रीज़न के कारण से होता है कि सेफ गार्ड्स आर प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग क्या करते हैं नहीं इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पर इंस्टॉलेशन नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, ना प्रेजेंट मतलब कि उनकी कमी के कारण से या फिर किसी भी मिसबिहेव के कारण से बोल सकते हैं, या फिर वर्कर्स जो होते हैं अपना काम को कम करने के कारण से उनको छोड़ देते हैं, उसी तरह से नहीं लगाते हैं उन सारी चीज़ों के कारण से। ठीक है, जैसे कि कोई भी जगह पे अगर बार बार कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको क्या करते हैं कि जो सेफ गार्ड्स होते हैं उनको रिमूव कर दे, कि वो बार बार खोलना लगाने से उनको परेशानी होते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको ये करते हैं हटा देते हैं। इन सारे कारणों से माइंस में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है इम्पॉर्टेंट मतलब कि फैक्टर वहाँ पे कारण बन जाता है किसी भी खान में आग लगने का। और यूएस माइंस में मैक्सिमम वॉकआउट जो होता है इलेक्ट्रिकल कारण से ही होता है, तो आपका जो इंसिडेंट होता है माइंस फायर का वो होता है। इंडियन खान में भी होता है, बट इंडियन खान में मैक्सिमम जो इंसिडेंट होता है वो हमारा जो होता है सीम का रूफ जो फेलवर होता है या फिर पिलर का फेलवर होता है उनके कारण से होता है, उसके बाद से माइंस फायर के बाद में होता है। ठीक है, एक्सप्लोजन की वजह से। तो चलिए आगे का जो रीज़न है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो काउज है किसी खान में आग लगने का वो क्या है, फ्रिक्शन और स्पॉन्टेनियस हीटिंग, और उसके बाद से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बाद में ये तीसरा रीजन जो है वो यही है फ्रिक्शन, इससे भी आग लगने का चांसेस मैक्सिमम माइनस होता है। एंड फायर ड्यू टू फ्रिक्शन काउजेस ओकर इन द रोडवेज इन विच द बेल कन्वेयर्स एंड रोप हॉलेज आर इंस्टॉल्ड, और ये मैक्सिमम कहाँ पे होने के चांसेस है, जहाँ पे बेल कन्वेयर या फिर रोप हॉलेज वहाँ पे इंस्टॉल्ड होते हैं। एंड द स्टेपल शाफ्ट विच आर सपोर्टेड विद द टिम्बर एंड कोल फेसेस विच आर लेट बाई द कोल कटिंग मशीन्स और पावर लोडर्स, और यहाँ पे कहाँ पे हो सकते हैं ये स्टेपल साफ्ट में विच इज जो कि सपोर्ट किए रहते किसे, टिम्बर से, और जो कोल कटिंग फेस में जहाँ पे मैक्सिमम लोडर कटिंग मशीन्स वगैरह लगे थे पावर लोडर्स लगे थे वहाँ पर होने के चांसेस होते हैं। एंड बेल कन्वेयर्स फायर्स फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट परसेंटेज ऑफ दिस फायर्स, और जो हमारा बेल कन्वेयर फायर जो है मैक्सिमम, क्योंकि बेल्ट कन्वेयर जो होता है वो पे बेल्ट कन्वेयर में जो बेल्ट जो होता है वो कंबस्टिबल मटेरियल से बना हुआ होता है। ठीक है, जिस कारण से खान में आग लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जब फ्रिक्शन होना शुरू होता है कहीं पे अगर कोई रोलर चॉक कर गया रुक गया तो उसमें बेल्ट कंटिन्यूस क्या होता है स्लिप करता रहेगा, अगर खाता रहेगा और फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे क्या होता है फायर पकड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन में और सारी चीज़ें उनको हम डिस्कस करते थोड़ा देख लेते इलोबरेट करके अच्छी तरह से। वो क्या है कि फोर मेन काउजेस ऑफ फायर ड्यू टू द फ्रिक्शन एज फॉलोज, पहला जो हमारा क्या है बेल कन्वेयर फायर, दूसरा क्या है स्टेपल शाफ्ट फायर जो कि सपोर्टिंग मटेरियल्स के कारण से लगता है, और उसके बाद क्या फायर्स इन द रोप हॉलेज रोडवेज, ठीक है रोप हॉलेज रोडवेज में भी लगता है, एंड फायर जैसे कि रोलर्स की वजह पे वायर रोप जो है रगड़ खा रहा, उसके अराउंड में क्या हुआ कि ग्रीस वगैरह और या फिर डस्ट कोल्ड डस्ट वगैरह क्या एक्युमुलेट हो जाता है, एक्युमुलेट होने से क्या होगा वहाँ पे फायर क्या होता है आग लग जाता है। ठीक है, एक्युमुलेट होने की वजह से। ठीक है, उसके बाद तीसरा अगला जो पॉइंट है फायर इज़ अ मशीन कट एंड द पावर लोडर फेसेस, कि पावर लोडर फेसेस जहाँ पे जब मशीन कटिंग फेसेस में लगे होते हैं मशीन उनके बार बार एक ही प्लेस पे आगे पीछे होने की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से वजह से हीट जो क्या होता है एराइज होता है और वहाँ पे आग लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और ये जो होते कुछ इलोबरेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है जो बेल कन्वेयर में कैसे हीटिंग कैसे होता है कहाँ कहाँ होता है वो चीज़ है। बेल कन्वेयर में जो होता है ड्यू टू द ओवर हीटिंग ऑफ द ड्राइविंग ड्रम वाइल द कंटिन्यूस रिवॉल्विंग अगेंस्ट द स्टॉल एंड द स्लिप बेल्ट, यहाँ पे स्लिप बेल्ट हो गया कहीं कुछ हो गया तो वहाँ पे जैसा मैंने बताया कि रोलर है वहाँ पे अगर बार बार ये स्लिप कर गया वहाँ पे रगड़ खा रहा था उसके कारण से, ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ द ट्रफिंग एंड द रिटर्न आइडलर्स। ठीक है, ट्रफिंग एंड रिटर्न आइडलर्स क्योंकि वो क्या डायरेक्शन को रोटेशन या फिर रिटर्न आइडलर्स होता है उनमें आग लगने के चांसेस होते हैं वहाँ रगड़ खाने से। एंड ड्यू टू द ओवर हीटिंग ऑफ द ब्रेकेज ऑफ द गियर्स, जहाँ पे गियर्स ब्रेकेज हो जाते हैं वहाँ पर भी चांसेस होते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं। उसके साथ में हमारा जो है स्टेपल शाफ्ट फायर्स जो कि मैंने बताया था कि जो कि सपोर्टिंग मटेरियल्स होता है वो उनके कारण से भी होता है। तो ये सारा डिटेल्स में यहाँ पे लिखा हुआ तो आप चाहे पढ़ सकते हैं, तो उतना ज़्यादा डीप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको आप पॉज करके नोट्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, इनको देखिए आप अच्छे से। उसके साथ में हमारा जो है फायर इन द रोप हॉलेज, रोप हॉलेज जो है उनमें भी होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि रोप्स के बार बार रबिंग होने के कहीं पे भी जो फ्रोजन रोलर्स होता है, जैसे मैंने बोला कि चौक करके कोई रोलर घूमना बंद कर दिया वहाँ पे बार बार रगड़ खाने से, या फिर कूलिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंबस्टिबल सरफेस, जैसा मैंने जो डिटेल्स में आगे ऊपर में समझाया वही चीज़ यहाँ पे
लिखा हुआ है, ठीक है, कि रोलर नहीं चौक कर गया, चौक या फिर फ्रीज हो गया, उस पर क्या हो रहा, ये हमारा बार बार रगड़ खा रहा हुआ है। और ये गर्म होने की वजह से साइड में जितने भी डस्ट पार्टिकल और ग्रीस वगैरह जो भी कंबस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट है उनमें आग लग जाता है, इससे क्या होता है आग लगने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा रीज़न इसमें था फ्रिक्शन में, ओके, फायर इन द मशीन कट एंड लोडर, जैसे ड्यू टू द फ्रिक्शन स्पार्किंग ड्यू टू द अर्थो बॉक्स एंड कोल कटिंग ऑपरेशन, ठीक है। अर्थो बॉक्स जहाँ पे अर्थिंग किया था वहाँ पे स्पार्किंग होने चांसेस होता मशीन जब ऑपरेट होता उस समय, एंड ड्यू टू फ्रिक्शनल स्पार्क्स ड्यू टू द ऑन द ट्रैवलिंग पिक्स, ठीक है। जैसे कटिंग करते समय वहाँ पे स्पार्क, अगर वाटर स्प्लिंकिंग अगर काम नहीं कर रहा होता वहाँ पे किसी चीज़ को हम लोग जब कटिंग कर रहे होते हैं, मतलब रिवॉल्व करता मशीन हमारा, तो वहाँ पे कटिंग एज जो होता है पिक्स होते हैं वो वहाँ पे रगड़ खाते हैं, तो वहाँ पे स्पार्क होने के पैदा होने के चांसेस जाते हैं, और गैस वगैरह प्रेजेंट है तो वहाँ पे आग लगने का चांसेस पूरा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे रीजन से फ्रिक्शन के कारण से, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला जो हमारा है वो है ब्लास्टिंग। नेक्स्ट जो काउज है वो भी किसी माइन में माइन फायर होने का, वो है ब्लास्टिंग। तो इसको पहले रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं इसे समझाऊंगा आपको। ब्लोन आउट शॉट इन कोल, स्पेशली व्हेन कोल डस्ट इज प्रेजेंट इन द शॉट होल, मेक काउज अ फायर, सॉरी माइन फायर थ्रू द इंजेक्टेड ग्लोइंग पार्टिकल्स, इग्नाइटिंग कोल डस्ट लूज कोल नियर द फेस। ब्लास्टिंग कैन ऑल्सो इग्नाइट एन अननोन मिथेन ब्लोअर एंड विच इन देन मेक्स इट एन इंटायर कोल फेस ऑन फायर। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि ब्लोन आउट मतलब कि जब भी कोई अंडरग्राउंड फेस में हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर ब्लोन आउट होता है तो वो ब्लोन आउट होने के कारण से क्या होता है कि वहाँ पे कोल जो उसके जो शॉर्ट होल है उसमें अगर कोल डस्ट प्रेजेंट है या फिर उसके सराउंडिंग में जो कोल डस्ट है या फिर लूज कोल है उसके सराउंडिंग में उनमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर आसपास में अगर कहीं अननोन मीथेन ब्लोअर है, ठीक है, तो ब्लोन आउट होने से उस मीथेन ब्लोअर में क्या आग लग सकता है और इंटायर कोल फेस में वो आग क्या फैल सकता है, ठीक है, वहाँ पर इंटायर फेस जो आग में चला जाता है, ये चीज़ है ब्लास्टिंग होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो चलिए अगले रीजन की ओर। अगला जो रीजन है वो क्या है, एक्सप्लोजन, जैसे कि फायर डैम एंड कोल डस्ट एक्सप्लोजन, ये जब भी होता है तो इनसे हमारा क्या होता है कि किसी माइन में आग पूरी तरह से फैलने का चांसेस हो, ये एक जगह नहीं, जब फायर डैम या फिर कोल डस्ट एक्सप्लोजन होता है पूरे खान में क्या आग फैलने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। इन देयर, और ये क्या होता है, एक्टिव फायर क्रिएट करता है, जैसे कि वेक स्मोल्डरिंग और द एक्टिव फायर को क्या करता है, क्रिएट करता है। द एक्सप्लोजन फ्लेम गैसेस एंड द कोल डस्ट टेक पार्ट इन द एक्सप्लोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक्सप्लोजन फ्लेम गैसेस एंड द कोल डस्ट इसमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है आग को फैलाने में। और उसके साथ में क्या होता है कि आसपास में जो फायर ऑन वुडन डोर्स होते हैं वो सारी चीज़ें, नॉन फायर प्रूफ पीसेस जो होते हैं, क्लोथिंग्स होते हैं, एंड बर्न कोल डस्ट एंड द लूज कोल जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली जो कोल फेस में प्रेजेंट होते हैं वर्किंग के दौरान पे, जब भी कटिंग होता है या फिर हम लोग जो निकालते हैं उस समय, तो वहाँ पे ये एक्सप्लोजन होने के बाद से वो आग फैल जाता है और वहाँ पे लग सकता है। तो एक्सप्लोजन भी एक क्या है, रीज़न हमारे कोल किसी खान में आग लगने का, ठीक है। तो चलिए अगले रीज़न को देखते हैं। अगला जो रीजन है वो मिसलेनियस, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, छोटे छोटे रीजन से, जैसे केयरलेस हैंडलिंग इन द नेकेड लैम्प्स ऑफ द ओपन लाइट, कैरिंग मैच एंड अदर फ्लेम मेकिंग डिवाइसेस, स्मोकिंग काउजेस, ये सारे चीज़ें क्या है, माइंस में आग लगा सकते हैं। स्मोकिंग करना, मैच स्टिक ले जलाना या फिर ओपन फ्लेम का यूज करना, ये सारी चीज़। उसके बाद है वेल्डिंग, कटिंग, सोल्डिंग ऑपरेशन जब माइंस में होता है, ये सारे चीज़ें है, या फिर विथ आर्क दे गैसेस इन अंडरग्राउंड माइंस रिजल्ट द माइन फायर। उसके बाद है स्टार्टिंग एंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, स्टार्टिंग एंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होता है उनसे भी माइन फायर लग सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग एंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलने का मतलब है कहीं भी कोई चीज़ या फ्रिक्शन या फिर कंटिन्यूस रगड़ की वजह से क्या होता है वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है पैदा होता है और उससे आग लगने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। अगला जो है वो फ्रिक्शंस ऑफ द बेल्ट अगेंस्ट द पुलिस प्रोड्यूसेस स्पार्क, ठीक है। वो बेल्ट लगने के, बेल्ट में आग लगने के अलावा एक क्या होता है वहाँ पे स्पार्क पैदा भी हो सकता है तो उनसे भी आग लगने के चांसेस हो सकते हैं। उसके साथ में क्या, गोप्स फायर्स में ओरिजिनेट ड्यू टू द इग्निशन ऑफ द कोल डस्ट, ठीक है। क्या हुआ कि गोप में जो फायर है कोल डस्ट में लगने के बाद से क्या हो सकता है वो पूरे माइंस में फैल सकते हैं, ये भी रीजन हो सकता है, काउज हो सकता है। आगे जो है वो क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स को हम लोग देखेंगे, तो कैसे उसको हम लोग किसी खान में
जो डिफरेंट रीजंस हैं, काउजेस हैं मकान में आग लगने के, उनको कैसे हैंडल करेंगे, वो सारी चीज़ को हम लोग देखते हैं। आगे जो हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स को डील करेंगे, जो क्या है कि डिफरेंट जो काउजेस हमारे माइंस में है आग लगने का, वो काउजेस को हम लोग किस तरह से हैंडल करेंगे तो खान में आग नहीं फैलाएगा, उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, जो पहला काउज है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर वाइनिंग ऑफ कोल। ठीक है, प्रॉपर वाइनिंग मतलब उसको अच्छी तरह से हैंडल करना, माइनिंग करना उस तरह से, और उसमें क्या एक जो कोल को जो होता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग देने से रोकना, वो सारी चीज़, नॉट लिविंग द कार्बोनेस मैटर, यानी कि जब हम लोग कार्बोनेस मैटर है उसको पूरी तरह से रिमूव करते चले जाएंगे, रोकेंगे नहीं वहाँ पे, वहीं स्टॉक नहीं, पुराना कोल को स्टॉक होने नहीं देंगे या जमा नहीं होने देंगे। उसके बाद हाई रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, रूफ कंट्रोल एंड एडुकेट वेंटिलेशन, ये सारे चीज़ को हम लोग लगा कर स्पॉन्टेनियस हीटिंग को ये कर सकें। हाई रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब जितनी जल्दी हो सके कोयले को वहाँ से रिमूव करते चले जाएंगे, हटाते चले जाएंगे, तो कोयला स्टॉक नहीं होगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगी, स्टॉक में कोयला कहीं जमा पड़ जाता कुछ पुराना कोयला, तो उसी में आग लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगला जो रीज़न है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्रॉपर मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, अगर प्रॉपर मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन करेंगे तो वहाँ पे आग नहीं लगेगा, रेगुलर इंस्पेक्शन करना होगा, गुड मेंटेनेंस हम लोग मेंटेन करेंगे, एंड प्रोविजन ऑफ द सेफ गार्ड्स मिनिमाइज इलेक्ट्रिकल फायर्स, ये सारी चीज़ों को डील करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फायर्स हम लोग डील मतलब होने से रोक सकते हैं। अगला जो है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के लिए लुब्रिकेशन ऑफ रोलर्स भी लुब्रिकेशन करेंगे, गुड मेंटेनेंस एंड मिनिमाइज द फ्रिक्शनल फायर्स को कर सकते हैं। दूसरा क्या है मतलब उसी में क्या है, यूजिंग फायर रेजिस्टेंस मटेरियल, मतलब कि जो बेल्ट वगैरह यूज करते हैं वो फायर रेजिस्टेंस होंगे तो फायदा ज़्यादा होगा, वहाँ पे आग नहीं लगे। उसके बाद इंस्टॉलिंग ऑटोमेटिक फायर सेंसर, फायर सेंसर अगर लगाएंगे तो वहाँ पे हमारे कहीं भी अगर फायर होने के चांसेस, वो फायर होता है तो सेंसिंग करके हम लोग का अलार्म के द्वारा हम लोग क्या कर सकते बता इंडिकेट कर सकता है कि वहाँ पे आग लगने के लग रहा है। ठीक है, इंस्टॉलिंग सेफ्टी डिवाइसेस, मेंटेनिंग करेक्ट अलाइनमेंट, कीपिंग आइडल रोलर्स विल ऑल्सो रिड्यूस देयर फायर्स। ठीक है, यानी कि क्या है कि करेक्ट अलाइनमेंट करके रखेंगे आइडलर रोलर्स में सारे चीज़ों में, तो वहाँ पर फ्रिक्शन होने के चांसेस वहाँ पे कम रहेंगे, वहाँ पे माइन फायर जो होगा फ्रिक्शन कारण से वहाँ पे नहीं होगा, ये सारी चीज़ें फ्रिक्शन में। अगला जो है वो क्या है, स्टेपल फिट फायर्स, फायर्स इन स्टेपल फिट मेक प्रिवेंटेड बाई यूजिंग द ब्रेक लाइनिंग। ठीक है, ब्रेक लाइनिंग के को यूज करके हम लोग यहाँ पे स्टेपल पिट जो फायर उसको हम लोग हैंडल कर से रोक सकते हैं। एंड रोप ट्रीटेड विद द फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, और रोप जो होगा हम लोग फायर रेजिस्टेंट मटेरियल से वहाँ उसको ट्रीट करके रखेंगे तो वहाँ पे आग लगने के चांसेस रहेंगे कम रहेंगे। एंड कंस्ट्रक्टिंग फायर प्रूफ इंजन रूम, इंजन रूम जो वहाँ पे होगा हमारा स्टेपल पिट में, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फायर प्रूफ उसको बना कर रखेंगे। एंड द प्रोवाइडिंग फायर प्रोटेक्शन इन द इंजन रूम्स एंड द शाफ्ट बाय मीन्स ऑफ द एन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब कि जब भी अगर आग हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सेंसर के द्वारा कंट्रोल्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर वहाँ लगा देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा फायर जो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेंच हो जाएगा, रोक सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, फायर इन द रोप हॉलेज एंड द इंक्लाइंड शाफ्ट, तो इस इनमें फायर लगने से रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे, यानी कि क्या वहाँ पे लगना चाहिए, रोलर और इंस्टॉलेशन जो होता है रोलर्स का प्रॉपर सिलेक्शन और उनका इंस्टॉलेंस एंड मेंटेनेंस बढ़िया से देखेंगे। एंड पुलिस एंड द एक्सल बियरिंग एंड मे बी प्रिवेंटेड फायर, मतलब कि जो सेलेक्ट करके हम लोग रोलर्स पुलिस एंड एक्सल बियरिंग को वहाँ पे लगाएंगे और उसका मेंटेनेंस अच्छा रखेंगे और इंस्टॉलेशन भी अच्छी तरह से करेंगे। और लास्ट जो हमारा विसिलेंस था, एज पर द प्रिकॉशन अगेंस्ट द वेल्डिंग कटिंग एंड द सोल्डिंग, यानी कि रूल और रेगुलेशन के साथ जो वेल्डिंग का कटिंग का जो हमारा जो रेगुलेशन है वो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे लगाते हुए उसको यूज करेंगे, मतलब कि काम करेंगे। एंड दे एंड परफॉर्म विद द कम्पिटेंट पर्सन, हम लोग कम्पिटेंट पर्सन को ही देंगे कार्य वेल्डिंग कटिंग एंड सोल्डिंग का, अंडर द सुपरविजन ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन प्लेस फ्री फ्रॉम द डेंजर ड्यू टू द फायर डैम एंड कोल्डर्स। और यहाँ पे हम लोग तीनों काम करेंगे वेल्डिंग कटिंग एंड सोल्डिंग का, वहाँ पे हमें जो एरिया है वो हमारा क्या हो, फायर डैम एंड कोल्डर्स से क्या होना, फ्री होना चाहिए, तभी वहाँ पे काम करेंगे। एंड एडुकेट फायर एक्सिक्यूशन अप्लायंसेस एंड यूजिंग ऑफ द स्टोन डस्ट ड्यू ड्रेसेस ऑफ फायर, मतलब कि यहाँ पे हम लोग अगर वेल्डिंग कटिंग एंड सोल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक्सिक्यूशन अप्लायंसेस प्रेजेंट होना चाहिए और वहाँ पे स्टोन डस्टिंग किया हुआ रहना चाहिए ताकि वहाँ पे हमारा आग जो हो ना लगे ना फैले, अगर हो भी तो उसको हम लोग तुरंत हैंडल कर सकें, वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को देखना चाहिए किसी फायर को डील करने के लिए, उसको प्रिकॉशन या फिर उसको रोकने के लिए। ठीक है,
और भी दो पॉइंट थे, वो क्या है कि फ्रिक्शन ऑफ द बिल्ट एंड द डेंजर्स कैन बी मिनिमाइज बाय इंस्टॉलिंग द ऑल मशीनरी एज टू बी सिक्योर सेफ डिस्चार्ज ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जितने भी हमारा जो इक्विपमेंट हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए वहाँ पे, जो सेफ डिस्चार्ज होने का मतलब कि एक ऐसा इंतजाम करेंगे कि वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली कहा डिस्चार्ज हो, सेफली डिस्चार्ज हो, ठीक है, अर्थिंग ग्राउंडिंग करके। उसके बाद क्या है कि डीजल पावर्ड इक्विपमेंट सेल बी मेंटेन प्रॉपरली। यानी कि डीजल पावर्ड अगर इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसको मेंटेन करते रहना चाहिए, उसका मल फंक्शनिंग जो है उसको भी क्या रिपेयर करते रहना चाहिए ताकि वहाँ पे फायर लगने के चांसेस कम रहे। या फिर अभी तो अंडरग्राउंड में हमारे डीजल पावर्ड जो इक्विपमेंट्स है उसको पूरी तरह से क्या बैन कर दिया जा चुका है, वहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते, खास करके कोल माइंस में हम लोग नहीं यूज कर सकते डीजल इक्विपमेंट हमारा जो भी है अभी बैटरी ऑपरेटेड या फिर अलग इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड इक्विपमेंट वहाँ पे क्या होते हैं यूज किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें ये सारे पॉइंट्स और ये टॉपिक जो है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और आने वाले वीडियोस में लिए इस वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट में हम लोग स्पॉन्टेनियस सीटिंग को अच्छे से डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।